बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब नासर। जी स्टूडेंट, लेट्स मूव एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6, उसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट है जी। बड़ा आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे सिंपल। उसने यही कहा हुआ कि सिंपलीफाई, तो सिंपलीफाई अपनी मर्जी से जैसे मर्जी करें। एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई कि जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो और उसके ऊपर पावर दी गई, तो वो पावर फर्स्ट वाले की अलग से होती है, सेकेंड वाले की भी अलग से होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स रेज टू पावर 5 होल पावर 1/2। फिर नेक्स्ट y रेज टू पावर 3 होल पावर 1/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब इसी तरह ये भी फर्स्ट y रेज टू पावर 7 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 3 होल पावर 1/3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैंने बताई हुई कि जब पावर्स के ऊपर पावर आ जाए, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आ गया x 5 के से मल्टीप्लाई करें 5/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3/2, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो y रेज टू पावर माइनस 7/3। तो यहाँ पर x जो है, यहाँ पर 3 1 3 3 इसे काट गया तो ये माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, x वाली एक साइड पे कर लेते हैं और y वाली एक साइड पे। ये x वाली है, इसको मैं इधर पहले लिखा रहने देता हूँ 5/2, और ये भी x वाली, इसको इस साइड पे ले जाता हूँ माइनस 1। इसी तरह ये y वाली इधर 3/2 पहले से पड़ी है, और इसके साथ इसको भी ले लेते हैं y माइनस 7/3, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि जब बेस सेम हो जाती है तो पावर ऐड होती है, तो बेस सेम होगी इधर भी x, इधर भी x, पावर ऐड कर लेते हैं। तो यह तो 5/2 माइनस 1, इसी तरह इधर बेस सेम होगी पावर्स ऐड 3/2 माइनस 7/3। तो यहाँ पर देखें एक फ्रैक्शन है और इसमें माइनस और 1, तो यहाँ पर देखें जब एक फ्रैक्शन हो या दो फ्रैक्शन हो, बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए, तो आपने क्या करना होता है, उसकी उसका एलसीएम करना होता है। इसका एलसीएम करें तो यहाँ पर इसका एलसीएम आता है 2, 2 को 2 पे डिवाइड करें आंसर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 1 5, बीच में माइनस, 2 को 1 से करें 2 1 2, ठीक हो गया। यहाँ पर इसका भी एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 डिनोमिनेटर में, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, अब 2 को 3 6 पर तकसीम करें 3 आंसर आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, बीच में माइनस, अब 3 को 6 पर तकसीम करें 2 आंसर, 2 को 7 से करें मल्टीप्लाई तो 14 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए जी, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ गया 3/2, ठीक हो गया। और साथ है जी वाई, तो 9 में से 14 में से 9 निकाले या 9 में से 14 निकाले, बात एक ही है, तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाता है जी, 14 में से 9 निकालें तो ये आ गया -5/6, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर उसने सिर्फ इतना बोला हुआ है कि आपने इसको सिंपलीफाई करना है, तो मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब इससे आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। अब साथ इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं ताकि इधर ये क्वेश्चन जो 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है जी, a रेज टू पावर 1/4, b रेज टू पावर 1/3, और यहाँ पर होल पावर जो है वो -1/2 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू पावर 1/4 होल पावर क्या है जी, -3। वही बात कि जब आपके पास प्रोडक्ट की पावर हो तो वो उनकी अलग अलग भी पावर होती है, तो मैं करूँगा इनको अलग अलग ले लेता हूँ, 1/4 इसकी पावर -1/2, इसी तरह बी जो है 1/3 इसकी पावर 1/2, तो यहाँ पर 1/3 इसकी पावर भी अलग होगी, इसी तरह बी वाले की अलग होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें आप, हमारे पास अब ये देखें पावर्स के ऊपर पावर आ जाती है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 1 को -1 मल्टीप्लाई -1, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 8, इस तरह बी इसको मल्टीप्लाई करें -1 और 3 2 6 आ जाएगा, इसी तरह ये इसे कट जाता है, तो ए रेज टू पावर -1, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाता है -3/4, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जी, इसको तो हम वैसे लिख लेंगे -1/8, इसको लिख लेंगे -1/6। अब मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, इसकी जगह डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएगा, तो -1 और यहाँ पर आ जाएगा -3/4, सिर्फ इसको डिनोमिनेटर में लेके गए, साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे, इधर a -1/8 है, इधर a -1 है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 होगा, तो ये ज़रा पॉजिटिव तरफ मूव कर जाएगी वैल्यू, तो हम क्या करें -1/8 इसको जब ऊपर लेके जाएंगे नोमिनेटर की तरफ, तो ये +1 हो जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह b है पहले,
वो माइनस वन बाय सिक्स। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे इस वाले को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा थ्री बाय फोर। यहाँ पर देखें ए दो दफ़ा आ रहा है, बे सेम होगी, पावर जो है वो ऐड हो जाती है, माइनस वन ओवर एट प्लस वन। इसी तरह बे सेम, पावर ऐड, माइनस वन ओवर सिक्स प्लस थ्री ओवर फोर। ठीक हो गया ये। अब यहाँ पर देखें मजीद इसको, इसका जो है एलसीएम करें तो इसका आता है एट, एट को एट पे डिवाइड करें आंसर वन, वन को माइनस वन मल्टीप्लाई करें माइनस वन, फिर प्लस, यहाँ पर इसमें एट को वन से मल्टीप्लाई करें तो एट आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह बी वाला, इसका एलसीएम करें तो आता है जी छः चार चौबीस, छः को चौबीस पे तकसीम करें आंसर चार, चार को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन, बीच में प्लस। अब चार को चौबीस करें छः, छः छः दिए अठारह। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ए एट में से वन निकाला तो ये आ गया सेवन ओवर एट। इसी तरह अठारह में से चार निकाला तो ये आ जाएगा चौदह, चौदह बटा चौबीस। अगर चौदह बटा चौबीस आया है इसको हम मज़ीद सॉल्व करना चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे सात दो चौदह, बारह दो चौबीस। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है सेवन ओवर एट, ए रेज टू पावर सेवन ओवर एट और बी रेज टू पावर सेवन ओवर ट्वेल्व। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इससे मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसने सिंपल कहा था कि इसको सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर थ्री जो उसके टू पार्ट कंप्लीट होते हैं, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का इशू हो, कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।